नमस्कार दोस्तों, साल 2024 चल रहा है ना, लेकिन 2015 में एक ऐसी घटना घट गई जमशेदपुर नाम के शहर में कि सुनकर दिमाग वाइब्रेट हो जाएगा। अभय नाम का एक लड़का जो कि रहता था बोकारो में, झारखंड का एक प्रसिद्ध शहर है, उसकी नानी रहती थी जमशेदपुर में। जब कभी भी उसको मौका मिलता था या छुट्टी मिलती थी, नानी जी के घर पे घूमने फिरने के लिए चले जाया करता था। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, मैक्सिमम लोगों की, इंडियन फैमिलीज की यही आदत होती है कि छुट्टी लगे तो बड़े बुजुर्गों के घर रहने के लिए चले जाते हैं, टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। इससे बड़े बुजुर्गों का भी मन बना रहता है और हम जैसे छोटे जो लोग होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, उनका भी मन थोड़ा बहल जाता है। सीन ये हुआ कि 2015 के टाइम पे जब गर्मियों की छुट्टी आई तो अभय ने मम्मी पापा से बोल दिया कि नहीं मम्मी पापा, इस बार सिर्फ मैं ही नानी के घर पर जाऊंगा, आप लोग यहीं रहो यार, आप लोग मेरे साथ आते हो, दुनिया भर की टोका टोकी मचाते हो, इधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर मत खेलना, लू लग जाएगी, गर्मी चढ़ जाएगी, बुखार आ जाएगा, नहीं यार आप लोग थोड़ा मुझे स्पेस दो। और इसमें अभय कुछ गलत नहीं था, बस थोड़ा सा फ्रैंक था, ब्लंट था। मम्मी पापा को क्लियर बोल दिया कि मैं ही जा रहा हूँ नानी के घर पे और इस बार मुझे किसी की रोका टोकी नहीं चाहिए। मम्मी पापा को भी अच्छा लगा कि हमारा बच्चा 9 साल का है, 9 साल का ही था उस समय, अब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, नानी से बहुत लगाव होगी और किसी के भी मम्मी पापा को बुरा नहीं लगेगा कि कोई बच्चा अपने नाना नानी या दादा दादी को ज़्यादा चाह रहा है। तो अभय के पिताजी माता जी ने बोले, ठीक है बेटा, तुझे अकेले रहना है, नानी के घर पर रह ले, लेकिन हम तुझे छोड़ने के लिए ज़रूर चलेंगे और फिर हम लौट कर आ जाएंगे। जब तेरा स्टे कंप्लीट हो जाएगा तो नानी जी हमको फ़ोन करवा देगी कहीं से या खुद ही कर देगी और हम लोग लेने के लिए आ जाएंगे। अभय खुश हो गया, सामान वामान पैक किया और पहुंच गए ये लोग डिसाइड की हुई डेट में नानी जी के घर पर। मम्मी पापा एक दिन रुके और बोले कि ठीक है, बिजनेस का थोड़ा काम भी है और अभय कह रहा है कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अभय की नानी से ये बात कह रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो, ये अपना बोरिया बिस्तर उठाए और बैक टू बोकारो हो गए। नानी जी के जमशेदपुर वाले घर में अभय रुक गया। जमशेदपुर वाला ये घर 2 स्टोरी का घर था, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर वाला एक फ्लोर। नानी जी ने ऊपर वाला फ्लोर जो था, ऊपर वाले फ्लोर का जो घर था, वो बहुत टाइम से किराए पर देखी रखी थी, लेकिन 2015 के टाइम पे वो किराएदार छोड़ के जा चुके थे। जब अभय के मम्मी पापा घर चले गए और अभय नाना नानी के घर पे अकेला रह गया तो अभय की नानी उसको गुड न्यूज देती है कि बेटा ऊपर वाला घर हो गया खाली, तुझे चाहिए तो बोल, तू जितने दिन भी छुट्टी में रह रहा है ऊपर रहना बिंदास। नानी ने ये बात अभय से इसलिए बोली क्योंकि अभय को बहुत अच्छा लगता था ऐसे अकेले टाइम स्पेंड करना। वो बोकारा वाले में भी जो अपने घर में रहता था ना, तो वहाँ पे भी उसके जो मम्मी पापा थे उनके सामने वो जिद करता था कि मुझे अकेले वाला कमरा चाहिए, अकेले वाला कमरा चाहिए। मूवीज देख देख के थोड़ा सा ये सीन हो गया था, बच्चों के अंदर हो जाता है। अभय ने बचपन से ऐसी मूवीज देखा था जिसमें जो घर के बच्चे होते उनको एक अलग कमरा मिल जाता है, इसलिए जिद करता था। तो ये बात पूरे खानदान में पता थी, नाना नानी को भी पता थी, इसलिए नानी ने बोली थी कि ऊपर वाला घर चाहिए। अभय ने बोला, अरे वाह भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, इस बार मम्मी पापा तो है नहीं घर पे कि मुझे रोका टोकी करेंगे, खेल भी सकता हूँ मन मर्जी का, नानी ने बोल दिए ऊपर रह ले, सो भी सकता हूँ मन मर्जी का, फिर उठ भी सकता हूँ अपने हिसाब से। क्या गर्मियों की छुट्टी आई है यार, किसी जन्म में मैंने बहुत अच्छे काम किया था शायद, और क्या, एक बच्चे को, 9 साल के बच्चे को अपने पुण्य कर्म क्या लगेंगे, यही तो लगेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ उसको सरप्राइज के तौर पर मिल रही है। ठीक है, इसने नानी जी के नीचे जो अपना सूटकेस रखा था घर में वो अपना उठाया, बोरिया बिस्तर फिर से बांधा और नानी जी के ऊपर वाले घर में चले गया ये खुश। रात का वक्त आया, खाना वाना हो चुका था, आज भी अभय को बहुत अच्छे से याद है, सो रहा था बिस्तर में, हालांकि नींद बहुत अच्छे से तो नहीं आ रही थी, लेकिन ना हल्की हल्की आने लगी थी, दिन भर की थकान भी थी। उसे अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई थी, उसकी नींद खुल गई। ये एक लड़की के हंसने की आवाज थी और नानी जी के घर के बेहद पास से आ रही थी। नानी जी के ऊपर वाले घर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभय अकेला सो रहा था, नाना नानी नीचे वाले घर में सो रहे थे और ऊपर वाले घर में किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, उस वजह से इसकी नींद खुल गई। ये क्लियर समझ गया उठते से कि ये हंसने की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि
बाजू वाले घर से या सामने वाले घर से कहीं से तो भी आ रही है। ये तुरंत उठा, खिड़की खोला, बाहर झांककर देखा तो क्या पाया, दो लड़कियां, जिनमें से एक लड़की इसी की उम्र की दिखाई दे रही थी और एक लड़की शायद 2-3 साल बड़ी, अपने घर के आंगन में हंस हंस के खेल रही है। रात के 12-11 बजे के आसपास भाई, हाँ आधी रात का वक्त होने ही वाला था। वो अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उनका घर, ये नानी जी का घर है, उसके बिल्कुल सामने था। एक सीमेंटेड रोड गई हुई थी बीच से, जो मोहल्ले वाली रोड होती है, इस तरफ नानी का घर, जहाँ की ऊपर वाली खिड़की से, यहाँ ये खिड़की है समझ लो, यहाँ से अभय सामने वाले घर में दिख रहा है और सामने वाले घर के आंगन में ये दोनों लड़कियां खेल रही है। बड़े मनमोहक अंदाज में ये कुछ खेल रही थी। बच्चे कैसे खेलते, कुछ कुछ बच्चों के गेम्स हम बड़ों को भी देखकर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई तो भी गेम खेल रही थी। और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को देखते देखते अभय कहीं खो सा गया। वो जो छोटी वाली लड़की थी ना, जो कि अभय की हम उम्र लड़की थी, उसमें कुछ तो बात थी जिस कारण से अभय उसे दोस्ती करना चाहता था। उसने ठान लिया था, मेरी एक ऐसी दोस्त होना चाहिए, आज नहीं तो कल मैं इसे जरूर बात करूंगा। लेकिन कैसे, छोटे शहरों के लोगों के बीच में इतना चीजें आसानी से आगे नहीं बढ़ती है। फिल्मों में भी अभय ने देखा था, अभय थोड़ा फिल्मी टाइप का लड़का था, इसलिए तो अलग कमरा चाहिए था, एक हम उम्र लड़की से दोस्ती करनी थी। खैर, ये उन्हें थोड़ी देर खेलता हुआ देखता है और जाकर सो जाता है। फिर अगला दिन निकलता है, नीचे जाता है। पहले जब घूमने आता था नानी घर पे तो कुछ दोस्त इसके बन जाते थे, तो दोस्त बने हुए थे। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी तो सारे बच्चों की छुट्टी थी भाई। ये उन दोस्तों के पास गया और बच्चे खेल रहे थे हाइड एंड सीक। समझते हाइड एंड सीक क्या होता है? लुका छुपी, जिसमें सारे बच्चे छिप जाते हैं और एक बच्चा ढूंढता है, और जो सबसे पहले मिल गया फिर उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ऐसे ही ये लोग मिलके, जिसमें अभय भी था, 6-7 बच्चे और थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद शाम का वक्त हो गया था, लगभग 5 बज रहे थे। खेलते खेलते अभय की बारी आई ढूंढने की, और ढूंढ ही रहा था अभय कि उसी समय वो छोटी वाली लड़की, जिसे पिछली रात खेलता हुआ देखकर अभय एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था, वो अभय के सामने आ गई। अभय से कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? अभय का दिमाग खराब हो गया, अरे बाप रे, जिस लड़की से मैं चाहता था कि मैं बोलूँ कि तुम मेरे से दोस्ती करोगी क्या, वो सामने से आके बोल रही है कि तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगे, मुझे खिलाओगे अपने साथ। बच्चों की ऐसी ही खुशियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उनके लिए। उसने बोला, क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम भी छुप जाओ, मैं ढूंढूंगा फिर। और वो भी दौड़ते दौड़ते गई और ये भी एकदम खुश हो गया, फिर ढूंढना शुरू कर दिया। ये पहली शाम थी जब ये लोग पहली बार इस तरीके से इंटरेक्ट किए थे, साथ में खेले थे। फिर इस शाम के बाद से हर शाम को वो इनके ग्रुप के पास आती और आकर सबसे पहले और सिर्फ अपने अभय से बात करती और इनके साथ खेलने में मशगूल हो जाती। ये चीज़ अभय को और अच्छी लगने लगी, यार ये कितनी अच्छी लड़की है। इस लड़की का वैसे मैं नाम बता दूँ, दिया नाम था, दिया नाम अभय को उसने बताई थी। इसकी जो बड़ी बहन थी उसका नाम सिया था। ये चीज़ अभय को बहुत अच्छी लगती थी कि दिया सिर्फ पूरे ग्रुप में मेरे से बात करती है, सिर्फ पूरे ग्रुप में मेरे से परमिशन मांगती है, सिर्फ मेरे साथ ही जोड़े में खेलती है, किसी और के साथ नहीं। वो मन ही मन, अब ये कहना थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, लेकिन ये बात अभय ने खुद अपने मुंह से बोला, हाथों से लिखा है, कि अभय को मन ही मन वो अच्छी लगने लगी थी, वो हर पल उसके आसपास रहना चाहता था। शाम के समय खेल खाल के ये लोग अपने घर तो घुस जाते थे, लेकिन जब रात का वक्त होता था, थोड़ा अंधेरा होने लगता था, मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट तो है, जमशेदपुर भाई बड़ा शहर है, अच्छा खासा शहर है, तो स्ट्रीट लाइट तो लगती थी, तो ये अपने ऊपर वाले कमरे से और अपने घर के आंगन से सिया एक दूसरे को देखकर इशारे करते थे, स्माइल पास करते थे, हेलो हाय होता था, जैसे कि नॉर्मल 90s वाला खिड़की वाला लव हुआ करता था। इनका 2015 के टाइम पे ये सीन चल रहा था। हालांकि उम्र थी कि नहीं थी इनकी, वो सब चीज़ में हम नहीं जाएंगे, मैं आपको खाली फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि फैक्ट ये था। और अब ये सब कुछ करते करते 15-20 दिन बीत चुके थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही खेलने के वक्त
दिया अभय के पास आई और कहती है कि अभय आज आखिरी शाम है जब हम आज खेल रहे हैं, रात के 10 बजे हमारी ट्रेन है, फिर मैं चली जाऊंगी और फिर यहाँ पर लौट कर नहीं आऊँगी। अभय का दिमाग खराब हो गया। दिया कहाँ चली जाओगी, तुम्हारा घर तो यही है ना? दिया बोलती है, नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है, जैसे तुम अपने नाना नानी घर पर आए हुए हो वैसे ही मैं भी अपने मामा मामी के घर पर आई हुई हूँ, मेरा घर तो कहीं और ही है। छोड़ो तुम वो सब क्यों जानना चाहते हो, मेरा घर कहाँ पर है कहाँ नहीं, बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पर मेहमान थी और मेरी मेहमानी ख़त्म हुई, रात में 10 बजे मैं निकल जाऊँगी और फिर कभी नहीं मिलूँगी। अभय को उसका ये कभी नहीं मिलूँगी वाला वर्ड बहुत चुभता है। बोलता है ठीक है भाई तुम जा रही हो ये समझ में आता है, लेकिन कुछ करो ना, नंबर वंबर कुछ ऐसा अपने मम्मी पापा का किसी का कुछ दो जिससे हम बात कर पाएँ, लाइफ में कभी मिल पाएँ, ये तो एक अलग ही फिल्मी सीन हो जाएगा। हाँ मैं फिल्मी हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ फिर मैं कभी तुमसे किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट ना रख पाऊँ। वो बोलती है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, मैं चलती हूँ और अब तुम ऐसे बात कर रहे हो तो मैं आज खेलूँगी भी नहीं, और वो चली गई दौड़ते दौड़ते घर की तरफ। इसका दिमाग ख़राब हो गया, बोले ये क्या शॉट हो गया यार, पूरा मन उतारा रहा 5-7 मिनट और अपने दोस्तों के साथ खेला और चले गया, आज खाना खाने का भी ज़्यादा मन नहीं किया। नानी पूछती रह गई, क्या हो गया बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा है, तेरी फेवरेट सब्जी बनी हुई है, तू तो बड़े चाव से ये सब कुछ खाता है, आज क्या हो गया? लेकिन ये नानी को ढंग से जवाब नहीं दे रहा था। और रात हो गई, रात में पता नहीं कैसे 9 बजे के आसपास ये अपने ऊपर वाले रूम में गया ही है कि इसको नींद लग गई बड़ी भयंकर वाली, और 10 बजे तो उसके जाने का टाइम था, इसने सोचा हुआ था 10 बजे जब वो निकल रही होगी तो मैं अपनी खिड़की से उसको देखूंगा, लेकिन 9 बजे इसको नींद लग गई गंदी वाली। फिर आज का मौसम थोड़ा बारिश वाला होने लगा था, पता नहीं कैसे कई बार गर्मियों में भी मौसम बिगड़ जाता है, तूफान उफान आने का वो जो होता है ना चक्रवात वगैरह आता है, तो वैसे ही रात के शायद 11:15 बज रहे हो, जोर की बिजली कड़की और इसकी बड़बड़ा के आंखें खुल गई। बोला शिट, घड़ी की तरफ देखा कोई 11:15 के आसपास का समय हो रहा था। इसका दिमाग ख़राब हो गया, बोला ये क्या कर दिया मैंने, दिया तो निकल गई होगी यार, उसे मैं जाते हुए भी नहीं देख पाया, शिट। ये ऐसी हड़बड़ी में अपने बिस्तर से उठा, खिड़की की तरफ गया, जैसी खिड़की खोला और नीचे आंगन की तरफ देखा सामने वाले घर के, तो क्या पाया कि आंगन खाली नहीं है, आंगन में खड़ी है दिया। फर्क सिर्फ इतना है पूरे इलाके में लाइट गई हुई है, दिया का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ वो आंगन में खड़ी हुई थी और इसी की तरफ देख रही थी। अरे कुछ ऐसी लाइट भी तो होती है, मून लाइट भी तो होती है, बिजली जो कड़कती है उससे भी तो कुछ कुछ समझ में आता है, वो इसी की तरफ देख रही थी। एक बार हल्का सा बिजली का फ्लैश आया, बिजली टुकड़ा करिए, ऐसा हल्का सा बिजली का फ्लैश आया कि उसको दिखाई दिया कि वो ऐसे ऐसे इशारा कर रही है। दिया उसको अपने घर के आंगन में बुला रही थी, इसने बोला मैं आऊँ, आ रहा हूँ रुको रुको। इसने मनी मन सोचा कि दिया मेरे मज़े ले रही थी, दिया को कहीं नहीं जाना था 10 बजे, ये शायद दिया का ही घर है या फिर ये बाद में कभी जाएगी, मुझे सरप्राइज करना चाहती थी, मेरे साथ कुछ तो भी गेम खेल रही थी, इसलिए ऐसा बोली थी कि मैं 10 बजे चली जाऊंगी, अभी देखो मुझे बुला रही है मैं जाता हूँ उसके घर पर। ये बढ़िया से खिड़की बंद किया और दबे पांव नीचे की तरफ गया कि नाना नानी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए भाई कि मेरा क्या सीन चल रहा है। वो अपने घर से बाहर निकला, रोड क्रॉस किया, दिया के आंगन का एक गेट था, बड़ा वाला गेट था, उसके बाजू में एक छोटा वाला भी गेट था, वो छोटा वाला गेट खोला और आंगन में एंटर किया। जैसे वो इस आंगन में एंटर किया तो ये पाया कि यहाँ पर एक बहुत बुरी बदबू फैली हुई है, खुला आंगन है, इस आंगन को रोज़ ये अपने कमरे की खिड़की से देखता है, कुछ ऐसा वियर्ड नहीं लगता है। जिस आंगन के जिस पार्ट में दिया भी खड़ी हुई थी उस पार्ट में कोई भी नहीं है, सिर्फ बदबू फैली हुई है। ये धीरे धीरे आवाज़ लगाने लगा, दिया दिया कहाँ पर हो तुम और मुझे क्यों बुलाई तुमने यहाँ पर? मैं आओ, ऐसी आवाज आई सेम टू सेम। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला शिट ये किसकी आवाज है? देखा थोड़ा घूम के गया तो ये जो घर है उसी का, दिया वाला ही घर,
दिया के घर के फ्रंटल पोर्शन में वो हमेशा खड़ी होती थी, इससे नैन मटक्का करती थी, वो साइड वाले पोर्शन में खड़ी हुई है और दीवार की तरफ मुंह की हुई है, सूट पहनी हुई है, फ्रॉक सूट सफ़ेद रंग का, और दीवार की तरफ देख रही है। मैं आऊँ, ऐसा बोली। ये अब घूम के दिया की तरफ गया। दिया, तुम इस प्रकार से क्यों कह रही हो और मेरी तरफ पीट करके क्यों खड़ी हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा बोल के जैसे ही वो पलटी और खाड़ से बिजली कड़की, और खाड़ से बिजली कड़की तो झटाक से दिया का चेहरा दिखाई दिया, और दिया का चेहरा देखकर ये तुरंत समझ गया इसकी ऐसी की तैसी मारूं ये दिया नहीं है। इसका दिमाग वाइब्रेट हो गया, क्योंकि जो सामने लड़की खड़ी हुई थी वो दिया की उम्र की, कद की, काठी की तो दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरे से दिया की तरह खूबसूरत नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह दिखाई दे रही थी। इसके शरीर में मानो खून था ही नहीं, पूरा सफेद, पेल वाइट, आंखें पुतलियां ही नहीं है, बाल पूरी तरीके से भीगे हुए हैं, मानो कोई इंसान को आप 1.5 महीने तक पानी में भिगो कर रख दिए तो कैसा दिखाई देगा? उसका मुर्दा जो बन चुका होगा वो कैसा दिखेगा? पूरा फूला हुआ सा शरीर बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है। ये वहीं पर ऊपर से नीचे कांपने लगा, उसको देखता ही रह गया। सोचा, शिट, मैं एक भूत को दिया समझ रहा था, ये कुछ कर पाता उससे पहले ही सामने खड़ी हुई वो लड़की सामने की दीवार में ऐसा ऐसा हाथ रखी और अपने दोनों पैर करके मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने लगी। और अब इसका मानो पूरा ब्रेन पैरालाइज हो गया, इसके हाथ पैर शरीर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिए, ये कुछ रिएक्ट कर पाने की सोच ही पाता कि उससे पहले ही उसने जिस प्रकार की हंसी हंसी वो हंसी इसे कान में ऐसी सुई की तरह चुभी कि इसको समझ में आ गया इसकी ऐसी की तैसी ये कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसकी कहानी मैं सदियों सदियों तक किसी को भी सुनाऊंगा तो किसी की भी हाथ में आ जाएगी डर के मारे। जी हाँ, मेरे साथ वो सीन हो गया है। वो सिर्फ हंस के ऐसे हंस के दीवार में चढ़ी जा रही थी, और समझ लो ये वो खड़ा है, ये दीवार में ऐसी चढ़ी और जुब से ऐसी ऊपर उल्टिया के लटकी है, इसके सर के ऊपर इसका उल्टा सर, समझ रहे हो ना, ये नीचे खड़ा है, मतलब मेरे को इमेजिन करो मैं अभय हूँ और ऐसा उल्टा लटकता हुआ सर उस चुड़ैल का इसके सामने। कि इतने में ही पता नहीं कौन सी एक पॉजिटिविटी इसके शरीर में आई, ये शिवजी को बहुत मानता था, बोला हर हर महादेव बचा लो, और अंदर से ये आवाज़ निकली, इसके बोल तो नहीं पाए उससे, इसका शरीर अचानक से ऐसा छूटा, इसकी वो जो थी एक हिप्नोटाइजेशन जो भूत ने कर लिया था वो हटी, और ये भागा है गंदा वाला भागा, अपने घर पर पहुंचा और भड़बड़ाते हुए ऊपर नाना नानी जिसको पता चलना है चले, लेकिन नाना नानी गहरी नींद में सो रहे थे और शायद इसका जो खोलना वोलना था दरवाज़ा वो बिजली कड़कने की आवाज़ से मैच हो गया था, इसलिए नाना नानी को समझ में नहीं आ पाया। ये ऊपर पहुँच गया, खिड़की एकदम पैक्ड रखा, लॉक्ड रखा, पूरी रात जागता रहा और सोचता रहा, साला वो थी कौन, दिया कहाँ थी, दिया की बहन सिया कहाँ थी, उसके घर वाले कहाँ थे। फिर इसको याद आया, शिट, मैंने तो दिया सिया के घर वालों को इतने दिनों में एक बार भी नहीं देखा, एक अजीब व गरीब डर उसको रात भर जगा कर रखा, ये कुछ तो था जो नहीं सुनना चाहता था अगले दिन नानी से, क्या नहीं सुनना चाहता था आपको समझ में आएगा। नानी उठी अगले दिन और नानी को पूरी बात बताया, नानी मुझे ऐसी दिया मिली थी, वैसी मिली थी, ये हुआ था, वो हुआ था। नानी ने क्या बोली, तू पगला गया है क्या, तू जो सामने वाले घर की बात कर रहा है ना, उस घर में पिछले 15 साल से कोई नहीं रहता है बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, जब तेरी माँ की शादी भी नहीं हुई थी ना, तभी इस घर में एक लड़की रहा करती थी 9-10 साल की, उसकी बड़ी बहन 13-14 साल की, उसके मम्मी और उसके पापा, मम्मी पापा के बीच में एक दिन घमासान वाली लड़ाई हुई, उसका बाप जो था बच्चियों का गंदे वाले नशे करता था,
उसने माँ को पीट पीट के बेहोश कर दिया, अपने दोनों बच्चियों को कुएं में डाल दिया। बस फिर अगले दिन पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस उसे लेके चली गई। केस में सामने आया कि वो मेंटली अनस्टेबल था, दोनों बच्चियां नहीं बच पाई, माँ कोमा में चली गई और वो घर पूरी तरीके से वीरान हो गया। तू क्या बात कर रहा है, तुझे कौन उस घर में दिखाई देती है? यही अभय नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि अभय ने पिछली रात को दिमाग लगाया था कि मैंने उसके घर वालों को देखा ही नहीं इतने दिन में। शिट, यानी कि जिस दिया को वो अपनी दोस्त समझ रहा था वो दिया दिया थी ही नहीं, वो दिया तो भूत थी जिसने अपने असली रूप इसको उस बालिश वाली रात को दिखा दी थी, पिछली रात को दिखा दी थी। वो जहन, वो घटना इसके जहन से आज तक नहीं निकल पाई है। 9 साल हो चुके हैं, आज वो 18 साल का हो गया, लेकिन आज भी उस रात की एक एक चीजें इसकी आंखों के सामने ताजा है। दिया का वो खूबसूरत चेहरा और दूसरी तरफ दिया का वो डरावना चेहरा इसे आज भी कभी भी डरा जाता है। इस पूरी घटना की जानकारी आप समझ ही गए होंगे, पूरी उसी ने ही लिख के मुझे बताया। मैंने सोचा ये तो आपके सामने लाना बनता ही है, ये कुछ यूनिक है, कुछ इंटरेस्टिंग है, तो ले आया। अब खत्म भी कर देता हूँ। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।